हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीनूज होम फूड। आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी। मक्की की रोटी सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगती है और कढ़ी के साथ, सरसों के साग के साथ या फिर आलू गोभी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इसको बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा तरीका जिससे आप मक्की की रोटी बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल जैसे हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, बनाते हैं मक्की की रोटी एक नए तरीके से। तो देसी तरीके से मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आज हम दूसरे तरीके से मक्की की रोटी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक कप पानी डाला था और उसे बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने गैस को बंद कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें डाले दो कप मक्की के आटे के, जिन्हें मैंने अच्छे से छान लिया था। तो बस अब गैस बंद करने के बाद हमने आटा और पानी अच्छे से मिलाना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने एक कप पानी और दो कप आटा डाले हैं इसमें। और अब हमने इसको मिलाने के बाद क्या करना है, ढक्कन लगाकर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेना है और इसके बाद हमने इस आटे को बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे हम गेहूं के आटे को चपाती बनाने के लिए लगाते हैं। तो अभी आटा हल्का सा गर्म है, बस इसी स्टेज पे हमने इस आटे को गूंथना है जैसे कि गेहूं के आटे को गूंथते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर पानी लगाने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम तेल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आटा हाथों से भी चिपकता है और थोड़ा सा और ज़्यादा चिकना करने के लिए इसमें तेल की ज़रूरत होती है। तो 1 से 2 चम्मच आप तेल का इसमें यूज़ कर सकते हैं तो इसमें और ज़्यादा चिकनाई आएगी। तो 5 से 6 मिनट आपको इस आटे को बनाने के लिए यहाँ पर लग जाएंगे। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल जैसे गेहूं का डो तैयार होता है बिल्कुल वैसे ही हमारा ये मक्की के आटे का डो तैयार हो गया है। और अब हमने इसको ढककर रख लेना है, इसके बाद हम रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने रोटियां वैसे ही बनानी है जैसे हम चपाती बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बेलना है। आटा लेंगे, लोई बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सूखा आटा मतलब ले लिया है मक्की का। तो इस तरह से हम लोई बनाकर इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे और थोड़ा सा आटा हम इसके ऊपर लगा देंगे, प्रेस करेंगे इसे थोड़ा सा और बस चपाती की तरह इसे आराम से बेल लेंगे। ये देखिए एक रोटी हमने बेलकर तैयार कर ली है। आप इसे जितना पतला करना चाहते हैं उतना पतला आप इसे कर सकते हैं। और अब हम इसे रख लेंगे प्लेट में। बाकी की रोटियां भी हम इसी तरह से बेल के पहले तैयार करेंगे और उसके बाद हम इन्हें सेकेंगे। तो एक रोटी मैं आपको और बेल के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बनाते टाइम ये बिल्कुल ना तो टूट रही है और ना ही इसमें बीच में क्रैक्स आ रहे हैं। बहुत ही आसानी से जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसे ही रोटी बन रही है। ये देखिए दूसरी रोटी भी बनकर तैयार है। तो बस इस तरह से हम ये सारी रोटियां पहले बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं, ये देखिए। चलिए अब टाइम है इन्हें सेकने का। तो एक रोटी तवे पे डालेंगे, 2-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इन्हें दोनों तरफ से पकाएंगे और उसके बाद हम इसे डायरेक्ट चूल्हे पे इस तरह से सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली सी रोटियां हमारी बनकर ये तैयार हो रही हैं, बिल्कुल चपाती की तरह। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरह से ये मक्की की रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं जिन्हें ये रोटियां बनानी नहीं आती हैं। देसी तरीके से बहुत ही आसानी से ये रोटियां बनकर तैयार हो जाती है चपाती की तरह। तो ये लीजिए हमारी मक्की की रोटी बनकर तैयार है। बस इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को सेक लेना है। तो
ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मक्की की रोटियां बनकर तैयार हैं। बहुत ही आसान तरीके से पतली पतली रोटियां बनकर तैयार हुई हैं और अब टाइम है इन्हें सर्व करने का। तो मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ सरसों के साग के साथ। आप इन्हें अरबी की कढ़ी, अरबी की सब्जी या फिर आलू गोभी के साथ भी ये रोटियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो अगर आपको भी मक्की की रोटियां देसी तरीके से बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखें, आपको बिल्कुल झंझट नहीं लगेगा और आप हमेशा ही ऐसे रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। और हमेशा की तरह लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।